तो अंदाज़ा ये होता है कि जो भी वादा इन लोगों ने किया उस वादे को पूरा नहीं किया, और ख़ास तौर पर मोदी जी 10 साल में पूरी तरह विफल रहे हैं। उनका इनकी एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई जा सकती है किसी भी क्षेत्र में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक जिसको कहा जाए कि जीरो परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। आज 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल यानी लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे फेज द्वितीय चरण को लेकर के मतदान किया जा रहा है। आज वोटिंग का दिन है, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं अपने बूथ पर और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। आपको बताएं कि इन सबके बीच अब कटिहार से तस्वीरें आई हैं, जहां कांग्रेस महासचिव और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी तारिक अनवर भी पहुंचे हुए। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के बावजूद जो है कटिहार के जो प्रत्याशी यानी तारिक अनवर जो है वो पहुंचते हैं और अपने वोटर्स से, कटिहार की जनता से खास अपील करते हैं। कहते हैं कि भले ही धूप क्यों ना हो, लेकिन आप पहुँचिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, आज वोटिंग किए जा रहे हैं। सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, लगातार सुबह 7 बजे से ही पूर्णिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किशनगंज की, कटिहार की, बांका की, भागलपुर की, इन तमाम 5 सीटों पर आज सेकेंड फेज में यानी द्वितीय चरण में आज वोटिंग हो रहा है। कटिहार से क्या कुछ तारिक अनवर का कहना है, किस तरह से उन्होंने अपने वोटर्स को, अपनी जनता को और तमाम लोगों को वोटिंग करने को लेकर के क्या कुछ खास अपील किया है, सुनवाते हैं। मतदान देने आए हैं, उसका उद्देश्य देखिए, हर 5 साल के बाद हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था ऐसी है कि चुनाव होता है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, असेंबली का हो, पंचायती राज का हो, किसी का भी हो। तो ये 5 साल का जो वक्फा दिया है संविधान में, जो प्रावधान रखा गया, वो इसीलिए रखा गया कि 5 साल पहले जो सरकार बनी या जो जनप्रतिनिधि थे उनके कार्यों का आकलन हो और समीक्षा हो और उसके बाद लोग वोट दें। तो जो मेरा अपना अंदाज़ा है या जो मेरी अपनी समीक्षा वो ये है कि 10 साल मोदी जी को मिला है और 17 साल नीतीश जी को मिला है और हमारे जो यहाँ से सांसद रहे उनको 5 साल मिला है, लेकिन अगर उनकी समीक्षा हो, उनका आकलन हो, तो अंदाज़ा ये होता है कि जो भी वादा इन लोगों ने किया उस वादे को पूरा नहीं किया, और ख़ास तौर पर मोदी जी 10 साल में पूरी तरह विफल रहे हैं। उनका इनकी एक भी उपलब्धि नहीं गिनाई जा सकती है किसी भी क्षेत्र में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक जिसको कहा जाए कि जीरो परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री रहे हैं। सर, देखा जा रहा कि जितने भी मतदान केंद्र है काफी कम लोग निकल के आ रहे हैं। सर, मेरा ख्याल है थोड़ी गर्मी है, थोड़ा मौसम का असर है और पूरे हिंदुस्तान में इसका असर दिखाई पड़ रहा है कि क्योंकि ये मौसम में चुनाव का सही मानों में ठीक नहीं है। जो चुनाव ऐसे समय होना चाहिए था जब ना गर्मी हो ना सर्दी हो, तो मौसम का जो टाइम का जो सिलेक्शन चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं था, एक या दो चरण में चुनाव हो जाना चाहिए था ताकि लोगों को गर्मी से निजात मिलती, उनको इतना धूप और तपिश बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। सर, मोदी जी फारदिसगंज जा रहे हैं, सर वो कहीं भी जा सकते हैं, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कहीं भी जाए अब उसका कोई असर होने वाला नहीं है। देश की जनता ने धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप कर लिया और इनके 10 साल के परफॉर्मेंस पर ही लोग वोट देंगे।